विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। लंकेश ये कैसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है? लंकेश और नंदेश्वर जी एक दोनों के सम्मुख परस्पर संघर्ष के लिए तत्पर हो गए हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कैसे रोकूं इन्हें मैं? नंदी जी इतनी सहजता से कदापि शांत नहीं होंगे, इसलिए मुझे ही शीघ्रता कर कोई युक्ति सोचनी होगी। मैं प्रभु शिव शंकर शंभू का परम भक्त हूँ। प्रभु की कृपा से अत्यंत बलशाली हूँ मैं, इसलिए आप मुझे विवश करेंगे तो मैं तनिक भी संकोच नहीं करूँगा अपने बल का प्रयोग करने में। नंदी जी, मुझे इस प्रकार की चुनौती देना तुम्हारे अहंकार का परिणाम है रावण, और तुम्हारे इस अहंकार को नष्ट करने में मैं तनिक भी संकोच नहीं करूँगा। लंकेश प्रभु का आत्मलिंग। आत्मलिंग? क्या हुआ आत्मलिंग को? गणेश जी, आपने इतने उच्च स्वर में आत्मलिंग क्यों कहा? नंदी जी, आत्मलिंग आपके समक्ष है, दशानन के हाथों में है, फिर भी आप इन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। और लंकेश, आप भी तो अपने विवेक का उपयोग कीजिए। इस प्रकार प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथों में थाम कर आप युद्ध करना चाहते हैं, और आप अपने इस अनुचित कृत्य से अपने प्रभु का अपमान स्वीकार करेंगे? नहीं, मैं इस अहंकारी लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग को कदापि नहीं ले जाने दूंगा। मुझे अपने प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता वानर। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ तनिक उसे सुनने की कृपा कीजिए। मुझे आपकी चिंता ज्ञात है नंदी जी, कि पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुँचाने से लंका में ही शिव धाम स्थापित हो जाएगा, किंतु लंकेश को तो स्वयं प्रभु ने ही अपना आत्मलिंग प्रदान किया है, इसलिए इस प्रकार संघर्ष कर उन्हें छीन कर प्राप्त करना तो महादेव का अपमान होगा ना? शिवनंदन गणेश जी को तो भली भांति ज्ञात है कि यदि प्रभु के आत्मलिंग लंका पहुंच गए तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और आपको तो ये भली भांति ज्ञात है कि लंकेश ने कितनी घोर तपस्या की है। वरदान स्वरूप उन्होंने प्रभु के आत्मलिंग को उनसे प्राप्त किया है। अब ये आत्मलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करें अथवा लंका के मार्ग में स्थापित कर दें, ये तो इन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है ना नंदी जी? और अब इनकी इच्छा को पूर्ण करने से इन्हें कोई कैसे रोक सकता है? गौरी पुत्र, आपने सर्वथा उचित कहा। मैं प्रभु के आत्मलिंग को कहां स्थित करता हूँ ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। और लंकेश प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ तक लेकर आए तो उसमें इनका दोष नहीं है, दोष तो आप सभी शिवगणों का है, क्योंकि श्रृंगी जी, भृंगी जी, बेताल जी, पिशाच जी एवं देवगण आदि ने इन्हें रोकने का प्रयास तो किया ही नहीं, इसीलिए अब इनसे संघर्ष कर इन्हें रोकने का प्रयास अनुचित होगा नंदी जी। और वैसे भी इनसे युद्ध कर इन्हें कहाँ रोका जा सकता है? और आप सभी यदि इन्हें रोकना ही चाहते हैं, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी युक्ति से इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था ना? हाँ, अब जब उस समय सभी शिवगण कोई युक्ति सोच नहीं सके तो इसमें भला लंकेश का कहाँ, शिवगणों का ही दोष है ना?
चतुर गणेशा। गौरी पुत्र जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और उनका सुझाव स्वीकार कीजिए, उसी में आपकी भलाई है। और यदि आप सभी लंकेश को रोकना ही चाहते हैं, तो आप सभी एक साथ आकर अपनी बुद्धि से किसी युक्ति का निर्माण कर इन्हें रोक कर दिखाइए। किंतु वैसे मेरे विचार से अब लंकेश को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं। आपकी चतुराई तो अद्भुत है गणेश जी। लंकेश को तनिक आभास भी नहीं हुआ और आपने उनके ही समक्ष उन्हें रोकने का उपाय सुझा दिया। मैं अब यथाशीघ्र यहाँ से लौटूंगा और जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। अभी भी यहाँ स्थित रहकर क्या विचार कर रहे हैं नंदी जी आप? गौरी पुत्र का सुझाव समझ नहीं आया क्या? लंकेश, आपसे महादेव के आत्मलिंग को छीन कर प्राप्त करने का प्रयास करना तो स्वयं महादेव का अपमान करना होगा ना, इसलिए मैं स्वयं आपके मार्ग से हट रहा हूँ। आइए आइए, जाइए जाइए, आप जाइए। आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं शीघ्र उचित उपाय के साथ अवश्य लौटूंगा। भीलू बनकर कहाँ छुपे बैठे हैं आप सभी? मेरे समक्ष भी प्रस्तुत होइए। पुकारा मुझे बेताल, बेताल, पिशाच, पिशाच। वीरू नहीं हूँ मैं, वीरू नहीं हूँ मैं, वीरू नहीं हूँ मैं। तोता वीरू तेरे पुताला नंदी दी ना मुझे। नंदी जी इतने कुपित क्यों है हमसे? लंकेश जल ग्रहण कीजिए। लंकेश, ये ज्ञात होने के उपरांत भी कि नंदी जी स्वयं प्रभु महादेव के अवतार हैं, आप उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? चतुर गणेशा। क्योंकि स्वयं शिव शंकर शंभु और उनके अंश में बहुत भेद है, क्योंकि उनके अंश तो नारायण भी हैं और ब्रह्मदेव भी, किंतु वो तब भी साक्षात शिव कहा, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, परम ब्रह्म ईश्वर हैं, वो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु ही हैं, सर्वोच्च भगवान हैं। ये कैसी विडंबना है कि एक महान प्रभु भक्त भी अपनी अज्ञानतावश अपने ही ईश्वर को सर्वोच्च मानने की भूल कर बैठते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि परम ब्रह्म ईश्वर एक ही है, वो भिन्न रूपों में प्रकट अवश्य होते हैं, इसलिए भक्त उन्हें अनेकों रूपों में पूजते हैं, किंतु अपने आराध्य को सर्वोच्च प्रमाणित करने के अनुचित प्रयास में वो संपूर्ण समाज में शांति के स्थान पर अशांति का विस्तार कर देते हैं। क्या हुआ गौरी पुत्र, किस विचार में डूब गए आप? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो स्वयं को परमेश्वर घोषित कर देते हैं। कलयुग में तो ऐसे मनुष्य प्रत्येक प्रांत में प्रकट होंगे, किंतु ऐसे मनुष्यों को ये ज्ञात नहीं होता कि स्वयं को परम ईश्वर मानने का भ्रम रखने का कितना बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है उन्हें। और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है पितामह ब्रह्मदेव, जिनसे एक बार ऐसी ही भूल हुई थी, स्वयं को परम ब्रह्म घोषित कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लिया था उन्होंने, और अपने इस अहंकार का बहुत बड़ा दंड प्राप्त हुआ था उन्हें, जिसका परिणाम तो हमारे समक्ष है। ब्रह्मदेव के शीश के समान क्यों प्रतीत हो रहा है लंकेश? क्योंकि वास्तव में
ये ब्रह्मदेव का पांचवा शीश होता था, जिसे उनसे विलग कर यहां फेंका गया था, और इसलिए यह स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से विख्यात है। यही है प्रभु के अगले अवतार भैरव अवतार की कथा। ये घटनाक्रम तो तभी आरंभ हो गया था गौरीपुत्र, जब नारायण और ब्रह्मदेव प्रभु शिव शंकर शंभु से उत्पन्न हुए थे। और सहस्त्रों वर्षों दोनों योग निद्रा में लीन रहे, और सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मदेव की निद्रा भंग हुई तो वो उस दिव्य कमल के तने को देखकर, जिसका ना ही कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत, वे अत्यंत अचंभित हुए और उनका कौतूहल जागृत हुआ। एकमात्र मैं ही हूं यहां, मेरे अतिरिक्त और किसी का भी अस्तित्व नहीं है, अर्थात एकमात्र मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। ये कमल पुष्प का तना कहां जा रहा है? कहां है इसका आरंभ और कहां है इसका अंत? ये कौन है? शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में लीन दिव्य पुरुष कौन है आप? जिस कमल से मैं उत्पन्न हुआ उसकी ऊर्जा को क्यों सोख रहे हैं आप? के कमल की ऊर्जा नहीं सोख रहा, अभी तो आपके इस कमल की उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है, अर्थात इस कमल का और इस कमल से उत्पन्न हुए आपका जन्मदाता मैं हूं। प्रतीत होता है आप स्वयं को मुझसे अधिक श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आप भूल रहे हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूं। मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था, और यह स्पष्ट है की सृष्टि के समक्ष मेरा ही अस्तित्व सबसे पहले उजागर हुआ है, इसलिए हम दोनों में मैं ही श्रेष्ठ हूं, आप नहीं। मेरा तो यही विश्वास है, जो आधार प्रदान करता है वही श्रेष्ठ होता है, और आपका आधार तो मैं हूं, तो मैं श्रेष्ठ हुआ ना? आपका स्थान तो यहाँ नीचे है और मेरा स्थान वहां ऊपर अनंत ब्रह्मांड में।
और उच्च स्थान उसी को प्राप्त होता है जो सर्वोच्च होता है। इसलिए सत्य तो यही है कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूँ, कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ, कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ, मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूँ। जब नारायण और ब्रह्मदेव इस वाक युद्ध में उलझे हुए थे कि उनमें से सर्वोच्च कौन है और सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो अचानक से वो ऊर्जा जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वोच्च है, उनके समक्ष एक अद्भुत प्रकाश लिंग के रूप में प्रकट हुई। ये प्रकाश तम तो अनंत है। अब हम दोनों के अतिरिक्त ये क्या है? कैसा प्रकाश है ये? कहां से उत्पन्न हो? और उन दोनों को तो अनुमान भी नहीं था कि वह प्रकाश स्तंभ और कुछ नहीं मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का प्रकाश लिंग था, जो सर्वोच्च है, श्रेष्ठतम है, जिनका ना कोई आदि है ना अंत। इसलिए उन दोनों को उस प्रकाश लिंग का आदि अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। और आप मेरे प्रभु की तुलना उस नंदी से कर रहे थे, उन्हें शिव स्वरूप पुकार रहे थे आप गौरी पुत्र। आशा करता हूँ नंदी जी मेरी बातों को समझ गए होंगे और अब तक उन्होंने लंकेश को रोकने की योजना बनाने आरंभ कर दी होगी। भीलू, भीलू तो बोला आपने हमें, भीलू क्यों बुताला आपने नंदी दिया हमें? आपने ने भीलू पुकारा नंदी जी? जो आपने लंकापति रावण को यहाँ से प्रभु के आत्मलिंग को लेकर उसे प्रस्थान करने दिया, उसे रोकने का प्रयास तक नहीं किया, उसे रोकने की चेष्टा तक नहीं की, और आज के दिवस के पूर्व ही लंकापति लंकेश लंका में प्रभु के आत्मलिंग को स्थापित करेगा और तब लंका में ही स्थापित होगा शिव धाम। और लंकेश रावण हमसे हमारे प्रभु को दूर करने की योजना में सफल हो जाएंगे। तब हुआ ये गौरी पुत्र कि नारायण और ब्रह्मदेव प्रभु के प्रकाश लिंग को देखकर स्तब्ध रह गए। और तभी एक आकाशवाणी हुई। हे पंच शीशधारी ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए प्रकट हुए हैं। और हे नारायण, आप उस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए, किंतु आप दोनों कैसे अनुचित विवाद में मच गए हैं। बस यदि आप दोनों ये ज्ञात ही करना चाहते हैं कि आप दोनों में अधिक श्रेष्ठ कौन है, तो आप इस दिव्य प्रकाश स्तंभ की विपरीत छोर की ओर आगे बढ़िए और दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर तक पहुंचने में सक्षम होगा। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और फिर उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर ऊपर की ओर बढ़ते चले गए और विष्णु अपने वराह अवतार रूप में नीचे की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकाश स्तंभ का ऊपरी छोर अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी, क्योंकि इस स्पर्धा में यदि नारायण विजयी हो गए ये मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। प्रतीत होता है इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का छोर अभी बहुत दूर है, मुझे अपनी गति और तीव्र करनी होगी। नारायण ने क्या रूप धारण किया है, एक वराह का। लंकेश,
आप जिन वराह रूप का उपहास कर रहे हैं ना, मामा जी श्री हरि नारायण ने उसी रूप को धारण कर एक बार पृथ्वी की रक्षा की थी, जब हिरण्याक्ष के कारण संपूर्ण पृथ्वी संकट में आ गई थी। तब वराह रूप में मामा जी श्री हरि नारायण ने ही पृथ्वी को आधार दिया था और उनका ये रूप तो सदा वंदनीय है। और इस रूप की वंदना करने वाले का प्रत्येक कष्ट सदा के लिए दूर हो जाता है। किंतु उस समय तो उनका स्वयं का कष्ट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि प्रकाश स्तंभ के निचले छोर को ढूंढने के प्रयास में वो स्वयं उस प्रकाश से विचलित होते जा रहे थे। नारायण को तो ये भी ज्ञात नहीं था कि यदि वो गरुड़ का रूप भी धारण कर लेते तो भी वो उस महाप्रकाश लिंग के छोर को ढूंढने में असमर्थ रहते। कदाचित फूफा जी ब्रह्मदेव के लिए भी यही सत्य होगा। वाहन के रूप में हंस का चुनाव करने के कारण वो नारायण की तुलना में अधिक दूर जाने में सक्षम हुए थे। जैसे जैसे ब्रह्मदेव और ऊंचाई तक बढ़ रहे थे, उनका ऊपर जाना और भी कठिन होता जा रहा था। और दूसरी ओर नारायण ने तो उस दिव्य प्रकाश लिंग की महिमा को समझकर अपनी असफलता स्वीकार कर ली थी। प्रतीत होता है इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का दूसरा छोर अभी बहुत दूर है, मुझे अपनी गति और तीव्र करनी होगी। किंतु पितामह ब्रह्मदेव अभी भी इस स्पर्धा में अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वहां उनकी ओर गिरता हुआ केतकी पुष्प उन्हें दिखाई दिया। प्रतीत होता है कि इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु यदि ये पुष्प भी साक्ष्य प्रस्तुत करे कि मैं ऊंचाई वाले छोर तक पहुंच चुका हूं, तो इस स्पर्धा में मेरी विजय प्रमाणित होगी। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ से आकर्षित होकर मैं यहाँ उपस्थित हुई, क्योंकि मुझे आभास हुआ अपने रचयिता से मेरी भेंट यही होगी। मैं ब्रह्मदेव हूँ और मैं ही भविष्य में संपूर्ण सृष्टि की रचना करूंगा। यदि तुम उस सृष्टि का भाग बनना चाहती हो और ये चाहती हो कि संसार में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। आपके इस प्रस्ताव के लिए आपको धन्यवाद। आप ही ने मुझे ढूंढा है, इसलिए मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगी। आप दोनों में से कोई इस महालिंग की छोर तक पहुंच सके? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का अर्थात इस आत्मलिंग का आरंभ ढूंढने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ना ही मैं और ना ही ब्रह्मदेव हम दोनों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं। हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ तो ये महालिंग है, जिसका न आदि न अंत है। और किंतु इस प्रकाश स्तंभ के ऊपर का एक छोर मैं ढूंढने में सफल हो गया हूं, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और सर्वोत्तम भी हूं। और इसका प्रमाण भी है मेरे पास।
ये केतकी का पुष्प। इस पुष्प को मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। यदि आपको मेरे कथन में किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। क्या ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं केतकी पुष्प? ब्रह्मदेव ने मुझे महालिंग के ऊपरी शिखर पे ही पाया था। आपसी अपेक्षा नहीं थी, आपने वंचना की है। असत्य के आधार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं शिव आपको शाप देता हूं कि आपके ही द्वारा रचित सृष्टि में आपकी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प, तुम्हें पुष्प में सर्वश्रेष्ठ और मेरे सर्वाधिक प्रिय पुष्प बनने के लिए उत्पन्न किया गया था, किंतु तुमने असत्य का साथ देकर अधर्म किया है, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें मंदिरों एवं पूजा स्थल से सदैव बाहर रखा जाएगा और मात्र वहां की सच्चा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। नहीं प्रभु, क्षमा। मेरा जन्म इस सृष्टि के सृजन के लिए हुआ है, अर्थात मैं ही परम ब्रह्म हूँ। आप होते कौन हैं मुझे श्राप देने वाले? आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए आप मुझे देखने में असमर्थ हो रहे हैं। मैंने ही आपको जीवन प्रदान किया है, इसलिए आपके अहंकार को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। आपके अंदर का अहंकार आपको परम ब्रह्म होने का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसे अहंकार से परिपूर्ण एवं असत्य वचन बोलने वाले आपके पंचम शीश को दंड भुगतना ही होगा। रूप काल भैरव का लिया और काट के सर पांचवा ब्रह्मा जी का पृथक किया।
फिर जब पृथ्वी की रचना हुई तो यह शीश यहां गिरकर स्थापित हो गया। किंतु लंकेश, जहां तक मैं समझ सका हूं, महादेव की महानता मात्र इतनी ही नहीं थी कि उन्होंने भैरव अवतार लेकर ब्रह्मदेव को उनके अहंकार से मुक्त किया, अपितु उनकी महानता तो इसमें भी थी ना, कि ये ज्ञात होते हुए भी कि उन्होंने ऐसा किया कि ब्रह्मदेव का शीश उनके शरीर से विलग करने के लिए उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। आप उचित कहते हैं गौरी पुत्र, ये भी महादेव का ही त्याग था कि उन्होंने ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर ले लिया था, और इस दोष हेतु प्रभु काल भैरव को एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। क्या हुआ था लंकेश, और कैसे उन्हें इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा? उन्मूलन उतना ही आवश्यक होता है जितना किसी रोगग्रस्त अंग की शल्य चिकित्सा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।